आप। ये रुद्राक्ष कहाँ? ये रुद्राक्ष नेपाल का है। रुद्राक्ष तीन जगह पाया जाता है, ठीक है, एक नेपाल, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये रुद्राक्ष है। मंत्र जाप के लिए इंडोनेशिया का रुद्राक्ष अति उत्तम होता है। और थर्ड क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है इंडोनेशिया, सेकंड क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है इंडिया, और फर्स्ट क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है नेपाल। नेपाली रुद्राक्ष इस तरह से देखिए पाया जाता है। ये रुद्राक्ष जो है आप धारण कर सकते हैं। अगर यदि आप तुला वृष कुंभ हैं तो आपको छह मुखी धारण करना है। अगर यदि आप तुला वृष कुंभ छोड़ करके अगर यदि नौ राशि है, नौ राशि में मेष हो गया, धनु हो गया, मिथुन हो गया, वृश्चिक हो गया, मकर हो गया, ये नौ राशि वाले को जो है सिर्फ पंचमुखी धारण करने से उसके जीवन में किसी भी तरह का समस्या नहीं आता है। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन तो जैसे कहता है कि रुद्राक्ष मानने के बाद कोई मांस मछली यानी मांसाहारी नहीं। देखिए, कहा गया है कि रुद्राक्ष पहन करके लोग मांसाहारी नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, रुद्राक्ष पहन करके लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरा धारणा है कि रुद्राक्ष पहन करके आपको जो इच्छा है स्वयं कीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष भगवान शिव की आँख का आंसू है। क्या है? भगवान शिव का आँख का आंसू है। और जिसने आंसू बहाया अगर यदि उसको गले में रखिएगा तो आपकी आँखों में कभी भी आंसू नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए उसने आंसू गिराया तो उससे क्या रुद्राक्ष का बीज हुआ, रुद्राक्ष का पेड़ हुआ, और उससे जो फल हुआ अगर यदि हम उसको धारण करते हैं, मेरे जीवन में कभी भी संकट आ ही नहीं सकता है, चाहे वो संकट जितना बड़ा भी हो। रही बात मांस मछली खाने की, बात रुद्राक्ष पहन करके आप मांस क्या आपकी जो इच्छा है खाइए, लेकिन तुलसी का माला पहन करके आप लहसुन प्याज तक नहीं खा सकते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, रुद्राक्ष अंदर आत्माओं से अपना ज्ञान प्रदर्शित करता है मनुष्य को। आप मनुष्य रुद्राक्ष पहनने के बाद जो भी काम करता है बिल्कुल सही करता है, ठीक है। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।